सिरमौर न्यूज इज ब्रॉट यू बाय हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज पोंटा साहिब नियर देहरादून हिमाचल प्रदेश ओपनिंग द डोर्स फॉर यू कम ऑन इन इट्स एन एंट्रेंस टू एन एक्सेप्शन एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्प्रॉलिंग लॉन्स क्लासरूम्स फिटेड विद द लेटेस्ट टीचिंग गैजेट्स fully air conditioned library fully operational laboratories energetic coaching and personalized attention academic excellence and accomplished administration we lay strong foundation for a successful future an ultimate choice for the students from the northeast your search ends here पांटा साहिब में पत्रकार वार्ता में कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश समन्वयक नजाकत अली हाशमी ने भाजपा पर जातपात की राजनीति करने का आरोप लगाया हिमाचल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के प्रदेश समन्वयक नजाकत अली हाशमी ने कहा कि हम सबसे पहले भारतीय हैं और देश प्रेम व भक्ति हम सभी का कर्तव्य होना चाहिए। वह पांटा साहिब में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सदा हर वर्ग व समुदाय के लोगों को साथ लेकर कार्य किया है, लेकिन भाजपा सरकार देश को जात पात के नाम पर बांट रही है। जब से बीजेपी की सरकार यहाँ तकरीबन 6 महीने हो गए हैं हमारे प्रदेश के अंदर, यहाँ पे कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। अब अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुखिंदर जी सुक्खू जी ने कल या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने डाटा दिया है कि अभी 100 से ज़्यादा तो यहाँ पे ऐसे आपराधिक मामले हो चुके हैं 6 महीने के अंदर जो आज तक कभी सुने भी नहीं थे। ऑफिसर्स को गोलियाँ तक मारी गई हैं सरेआम, और ऐसे ऐसे अपराध हुए हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हिमाचल के शांत लोग। और अभी हमारे संज्ञान में आया है 2 दिन पहले ही कि जुब्बल थाना क्षेत्र के अंदर एक गुलाम रसूल सन ऑफ लाली नाम का एक व्यक्ति था, उसको लोगों ने पीट पीट करके वहाँ पे मार दिया। मॉब लॉन्चिंग की वजह से उन्होंने पीट पीट कर मार दिया, क्योंकि जो बाहर ये लोग कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, यहाँ हमारे शांत प्रदेश में भी इस चीज़ को दोहराने की कोशिश की जा रही है। उस आदमी का नाम गुलाम रसूल था और वो बेचारा गरीब किस्म का आदमी था, उसको पीट पीट करके मार दिया गया 23/7/2018 को। उसके बाद उसकी 4 दिन के बाद FIR लॉज होती है, और FIR लॉज होने के बाद उसमें 10 दिन के बाद एक आदमी को, अमन नाम का एक आदमी है, उसको अरेस्ट किया गया है, और उसके बाद उसमें अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ, जबकि उसमें कम से कम 30-40 लोग इन्वॉल्व थे। ऐसा ही है, मैं बिल्कुल बेबाकी के साथ आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि हम सब लोग सबसे पहले भारतीय हैं, और हमारा सबसे बड़ा धर्म देश प्रेम है, उसके बाद हम हिंदू हैं, उसके बाद हम मुसलमान हैं, उसके बाद हम सिख हैं, उसके बाद हम ईसाई हैं। हम सब सबसे पहले भारतीय हैं, और हमें सबसे पहले अपने देश से प्यार है और होना चाहिए हर एक भारतीय को। जो ये बात करते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की, हमारा जो संविधान है, इस संविधान को जो निर्माण करने वाले थे उन्होंने बड़ी समझदारी से सूझबूझ के साथ इस संविधान का निर्माण किया था, और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सिर्फ 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। बहुसंख्यक बड़े भाई हैं, अल्पसंख्यक छोटे भाई हैं। दोनों को बड़े भाई छोटे भाई हमारे परिवारों में कैसे रहते हैं, कितने प्यार मोहब्बत से रहते हैं, उस चीज़ की ज़रूरत आज हमारे देश को है। हमारे बहुसंख्यक भाई छोटे भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों का ख्याल रखेंगे तो प्यार मोहब्बत बढ़ेगा आपस में, और ये जो जात पात की राजनीति है, ये जो घृणा की द्वेष की राजनीति है, ये तब खत्म होगी जब हम सब लोग मिल करके ऐसी राजनीति को धक्का मारेंगे और ऐसी विचारधारा को लेकर के दोबारा से आएंगे जिस विचारधारा ने इस देश को यहाँ तक पहुँचाया है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए पांटा साहिब से दिनेश पुंडीर की रिपोर्ट।